बिलासपुर यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म कैसे भरे, अटल बिहारी वाजपेयी का एडमिशन फॉर्म कब से भराना शुरू होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों 15 जून से स्टार्ट होने वाला है। जो नए प्रवेश लेना चाहते हैं, नए एडमिशन लेना चाहते हैं, जो लोग 12वीं पढ़ चुके हैं, जो बीए बीएससी बीकॉम या जो पीजीटीसी डीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए गुड न्यूज है, जो एडमिशन ले सकते हैं, 15 जून से एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कितना चालान कटाना है, कितना पेमेंट करना है, क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट लगता है, आधार कार्ड लगेगा, 10वीं 12वीं का मार्कशीट लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जिसके बाद आपके पास जब फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, तब आपको क्या करना है, जैसे इसका जो फॉर्म है उसका जो चलान है शुल्क है वो 50 रुपए रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए आपको जो यूनिवर्सिटी में नाम आएगा उस यूनिवर्सिटी में जाना है, उस यूनिवर्सिटी में जाकर आपको वापस हमको अपने जो फॉर्म है जो प्रिंट आउट करना है, और बाकी जो डीसी माइग्रेशन है या जाति निवास समदानी है, ये सभी डॉक्यूमेंट को आपको जाकर वापस वेरीफाई कराना है। जो उसका सेमेस्टर फीस है उसको आपको पेमेंट करना है, तब आप यहाँ पर एडमिशन इस प्रकार से ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। जिससे कि दोस्तों और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है ये प्रोसेस मैं आपको 15 जून को बता दूंगा, और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर